ये पाठक पागल है। अब पागले पर कितना बयान दे, पागले पर बयान देते देते आदमी का पागल हो जाएगा। इसका जाने का दिन आ गया है, रहने वाला दीपक धधकते रहता है। तो पूरी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। उससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी के कद्दावर नेता नवल किशोर यादव ने अपर मुख्य सचिव के पाठक पर निशाना साधते हुए कहा कि यह मानसिक रूप से ग्रसित हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं और जो दिया बुझने से पहले धधकता है उसका जाना तय है। तो अपर मुख्य सचिव के पाठक को अब जाना तय है। लगातार नियोजित शिक्षकों के छुट्टियों पर कैंची चलाते आ रहे हैं और इस बीच नियोजित शिक्षकों को गर्मी की छुट्टियाँ मिलेगी क्योंकि अपर मुख्य सचिव के जाना तय हो चुका है। के पाठक पर निशाना साधते हुए बीजेपी के कद्दावर नेता एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा। सबसे पहले आइए सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं नवल किशोर यादव इस वीडियो में। ये पाठक पागल है। अब पागले पर कितना बयान दे, पागले पर बयान देते देते आदमी का पागल हो जाएगा। इसका जाने का दिन आ गया है, बुझने वाला दीपक धधकते रहता है और इसका धधकन समाप्त हो गया है, अब जा रहा है। कार्रवाई करे कि सरकार को न सुई है कि रोज चुभाते रहे, क्या मतलब भक्का टक्कर जाएगा। अरे शिक्षक के तो हम ही है ये हैं, हम शिक्षक के हैं, शिक्षक हमारे हैं तो वो हमसे मिलेंगे ही, हम उनके दुख सुख में साथ देते ही हैं, हमारे साथ रहते हैं, हम उनके साथ रहते हैं। स्वाभाविक है कि आप तंग तबाह कीजिएगा तो हर आदमी अपना आलम ढूंढता है, उस आलम में नवल किशोर यादव को ढूंढता है। एक पाठक के घर में ये निकाल देंगे गर्मी की छुट्टी में, कोई टीचर डरता नहीं है, टीचर कोनो गुलाम नहीं है, टीचर विद्रोही होता है, जो विद्रोही नहीं है वो टीचर नहीं है। एक बुझ रहे हैं कि गुलाम बना लेंगे, ये इनके पागलपन है और इस पागलपन को दूर करेंगे। नहीं किया होली में तो इधर उधर फेंकता ही है, लेकिन ये पागल है, इसको इससे। तो अभी आप सुन रहे थे बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव को, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अपर मुख्य सचिव के पाठक पागल हो चुके हैं, लगातार छुट्टियों पर कैंची चलाते हुए नजर आ रहे हैं, पता नहीं इनसे क्या दुश्मनी है नियोजित शिक्षकों से कि आखिर इस तरह का बयान दे रहे हैं। हम लगातार नियोजित शिक्षकों के साथ हैं और रहेंगे। तो वीडियो में इतना ही, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक और करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह का शिक्षा विभाग से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।